Very good morning to all my charming and lovely students. I myself, Miss Reshma. Student, today I'm going to take your class 2, subject EVS, chapter number 9, that is My Green Friend. So student, आगे के दो videos में आपने पढ़ा है about my green friends, right? So as you can see, back side of my, यहाँ पूरा greenery से ये भरा हुआ, right? What we get by the plants? हमें plants से क्या मिलता है? We get the oxygen from the plants, right? And we give out the carbon dioxide and we take us inside the oxygen. Oxygen हमें किससे मिलता है? Because of the plants. Plant की मदद से हमें fresh air मिलती है और उस fresh air में हमें क्या मिलता है? Oxygen. In already in previous videos you have learned about the vegetables, about the fruits, about the grains, about the pulses, right? And many more things about the plants. Now in part number 3 we are going to learn more about the plants. Okay student, today we are going to see class 2, subject EVS, chapter number 9, My Green Friends. As already in the 2 video, student, aapne padha hai about my green friends, right? About fruits, vegetables and many more things. Now today in part number 3, we are going to start from page number 53. So I request all the students, please take out your textbook, page number 53, and our topic is how plant help us. Plant हमें कैसे help करते हैं, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. So our first point is, प्लांट हेल्प अस इन मैनी वेज. ऐसा आपको पता है प्लांट्स हमें बहुत सारे तरीकों में हेल्प करता है. सो फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, वी गेट फूड आइटम सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन, सीरियल्स, पल्सेस, नट्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स. ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से. तो आओ चलो, आई एम गोइंग टू शो यू वन डेमो अबाउट ऑल दिस थिंग. हियर वी आर सम ऑफ द वेजिटेबल्स, राइट? यहाँ पर वेजिटेबल्स का चार्ट दिया गया है एंड हियर द फ्रूट्स चार्ट हैज बीन गिवन. अब सबसे पहले पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? अबाउट द लीव्स. ऐसे कौन से लीव्स है जो वी कैन ईट, है जो हम खा सकते हैं. सो आप यहाँ से मुझे कोई बता सकता है वेजिटेबल्स में विच लीव्स वी कैन ईट? फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू सी हियर, इट इज कोरिएंडर. कोरिएंडर मतलब हरा धनिया, जो हम उसको खा सकते हैं. और धनिया एज अ फॉर्म ऑफ कौन सा होता है? लीव होता है. देन सेकेंड इज मेथी, राइट? हम मेथी को भी खा सकते हैं और वो भी कौन से फॉर्म में होता है? लीव्स फॉर्म में होता है, राइट? नाउ वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द स्टेम. स्टेम फ्रूट कौन कौन से हैं जो हम खा सकते हैं? सो द फर्स्ट वन इज जिंजर. जिंजर यानी अदरक. अदरक भी एक स्टेम वेजिटेबल है जिसको हम खा सकते हैं. एंड द सेकेंड वन इज पटेटो यानी आलू. आलू भी एक स्टेम फूड है जो ऑलरेडी आपने पार्ट 1 में उसको पढ़ा है, राइट स्टूडेंट? नाउ वी विल बी मूविंग टू द रूट्स. ऐसे कौन से वेजिटेबल्स है जो रूट्स है और उसको हम अच्छे से खा सकते हैं? सो दैट इज कैरेट, राइट? हम कैरेट भी कौन सा वेजिटेबल है? रूट वेजिटेबल, राइट? रेडिश भी कौन सा वेजिटेबल है? रूट वेजिटेबल. इवन द पटेटो इज ऑल्सो अ रूट वेजिटेबल. वो दो टू इन वन है, वो स्टेम वेजिटेबल में भी आता है और रूट वेजिटेबल में भी आता है. तो रूट वेजिटेबल में कौन कौन से हैं? कम ऑन स्टूडेंट, रिपीट आफ्टर मी. पटेटो, कैरेट एंड रेडिश, दिस 3 आर द रूट्स वेजिटेबल्स. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वेजिटेबल्स. हमने पढ़ा कि बाय ईटिंग द वेजिटेबल्स वी गेट लॉट ऑफ एनर्जी, वी गेट लॉट ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, राइट? बहुत सारे. नाउ दिस इज ऑल द फ्रूट्स. ये सारे यहाँ किसके नाम हैं? फ्रूट्स के नाम है. व्हाट इज द फ्रूट नेम? एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, पपैया, बनाना, ग्रेप्स, राइट? स्ट्रॉबेरीज, चीकू, वाटरमेलन, मैनी मोर, गुआवा. नाउ आई वॉन्ट टू नो दैट आपका कौन सा फेवरेट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है. यू कैन गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. नाउ स्टूडेंट,
नाउ वी हैव लर्न अबाउट द स्पाइसेस ऑल्सो राइट. सो कैन यू सी यहाँ पर कितने सारे स्पाइसेस दिए गए हैं. नाउ दिस ऑल स्पाइसेस वी आर यूजिंग इन अवर डेली लाइफ इन अवर फूड. हमारा खाना ये सभी स्पाइसेस को मिलाकर बनाया जाता है. एंड स्पाइसेस इज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत कॉस्टली आता है. और स्पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई? बिकॉज विदाउट द स्पाइसेस वी कैन नॉट हैव अ टेस्टी फूड, है ना. हम टेस्टी फूड नहीं बना सकते हैं स्पाइसेस की हेल्प के बिना. सो यू कैन सी ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस. इवन यू कैन आस्क योर पेरेंट्स ऑल्सो, आप अपनी मम्मी को भी बोल सकते हो कि आपको स्पाइसेस लाइव भी दिखाए. यानी घर पर तो स्पाइसेस है ही सबके घर पर, तो आप अपनी मम्मी को बोलकर टर्मरिक है, फिर रेड चिली है, राइट. ये सारे स्पाइसेस आपको जो देख रहे हो, गार्लिक है, ये सब आप अपनी मम्मी को बोल सकते हो, तो आपको लोग लाइव भी दिखाएंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ग्रेन्स एंड सीरियल्स, राइट. ग्रेन्स एंड सीरियल यानी वीट है, ये राइस है, बीन्स है, ये सभी किसमें आते हैं? ग्रेन्स और सीरियल्स में. आप इस पर देख सकते हो, कैन यू सी दिस ऑल ओवर हियर, राइट. तो ये भी आप सब अपने घर पर लाइव देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. अगर आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि हमें वीट दिखाओ, हमें ये दिखाओ, तो आप लाइव देख सकते हो. आप जितना लाइव देखोगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू टू लर्न अबाउट द बेसिस एंड पल्सेस. पल्सेस यानी ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंट दाल जो हम डेली यूज में खाते हैं, राइट. हमारी मम्मी हमें ये सारे पल्सेस खिलाते हैं, राइट. कौन कौन से पल्सेस आप खाते हो? मूंग दाल है, उड़द का दाल है, राइट. दिस ऑल ग्रेन्स है. ये सारी चीजें हम डेली यूज में खाते हैं. एंड पल्सेस आर रियली वेरी गुड फॉर हेल्थ. हमें डेली कोई एक पल्सेस हर रोज खाना चाहिए. तो ये पल्सेस भी आपकी मम्मी के किचन में अवेलेबल होगा. सो आप उसको लाइव भी देख सकते हो, छूकर भी देख सकते हो, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कौन सा पल्सेस क्या कौन से कलर का होता है एंड हाउ इट इज हेल्पफुल टू अस. सो ऑलरेडी वी हैव लर्न अबाउट द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, राइट. ये सारी चीजें मैंने आपको इस लाइव मॉडल पर दिखाई है, राइट. एंड फॉर द प्रैक्टिकल, अगर आपको लाइव देखना है, सो यू कैन आस्क योर पेरेंट्स दैट वो आपको लाइव दिखाए, तो यू कैन अंडरस्टैंड मोर इजीली एंड वेरी नाइसली. So student, now we are going to continue with our part, means point number 2. Student, can you answer me that fruits, vegetables, pulses, cereals, ye sari cheeze hame kiski help se milti hai? This all things we get by the help of plants, okay? Hame kiski madad se ye sari cheeze milti hai? Ye sari cheeze kahan par grow hoti hai? This all things grow प्लांट. ये सारी चीज प्लांट पर ग्रो होती है. नाउ पॉइंट नंबर 2, मैनी प्लांट्स सच एज नीम्स एंड बेसिल हैज मेडिसिन प्रॉपर्टीज. अब आपको पता है कि हम नीम का पेड़ तो आप सब जानते हो, यू ऑल हैव सीन द नीम प्लांट, राइट. और आपके घर के पास तो ये प्लांट अवेलेबल होता ही है. सो विद द हेल्प ऑफ नीम वी कैन मेक अ मेडिसिन. हम मेडिसिन बना सकते हैं. एंड नीम प्लांट इज वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर आप डेली नीम के पानी से नहाते हो, यानी गर्म पानी में आप नीम के पत्ते डालकर उसको बॉयल करके उस पानी से नहाओगे, सो देर विल बी नो जर्म्स एंड नो कीटाणुज ऑन योर बॉडी. नाउ पॉइंट नंबर 3, प्लांट क्लीन द एयर दैट वी ब्रीथ बाई टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन. अब इसका क्या मीनिंग है बेटा, कि प्लांट क्या देता है अपने अंदर, क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है. और हमें फ्रेश एयर में क्या देता है? ऑक्सीजन. वी ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान, हमारे अंदर जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम इन, हमारे अंदर क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं. और हम बाहर क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. बट प्लांट में ये उल्टा है. प्लांट क्या निकलता है अपने अपने अंदर से बाहर? ऑक्सीजन निकलता है. और अपने अंदर क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड. पॉइंट नंबर 4,
प्लांट प्रोवाइड शेड एंड शेल्टर्स टू ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये बहुत सच्ची बात है, राइट? बड़ा जो ह्यूज प्लांट होता है वो हमें क्या देता है? शेड। शेड यानी ठंडक देता है, शेडो देता है, शेल्टर छुपने की जगह देता है। किसको? हम ह्यूमन बीइंग्स को भी, एनिमल्स को भी और बर्ड्स को भी। बर्ड्स का तो घर ही क्या होता है? ट्रीज होता है, राइट? तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, शेल्टर। राइट, नाउ वी विल बी सीइंग पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 इज ऑन पेज नंबर 54। पॉइंट नंबर 5, व्हाट इज पॉइंट नंबर 5? वी गेट क्लोथ्स फ्रॉम द फैब्रिक और थ्रेड ऑफ जूट एंड बॉल्स ऑफ कॉटन प्लांट्स। कपड़े किससे बनते हैं? वो भी बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द प्लांट्स, राइट? जूट एंड कॉटन। कॉटन कहाँ ग्रो होता है? कॉटन प्लांट, कॉटन इज ग्रो ऑन द प्लांट, राइट? कॉटन का भी प्लांट होता है। एंड विद द हेल्प ऑफ द कॉटन वी कैन मेक द क्लोथ्स, राइट? थ्रेड से थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड के बाद उसका क्लोथ बनता है। तो कैन यू सी दिस जूट बैग एंड अ कॉटन टी शर्ट? आपको दिख रही है। सो दिस ऑल्सो ड्यू टू द हेल्प ऑफ द प्लांट। And inshallah, soon we are going to meet with the part number 4. Till then,